काम क्यों करते हो और कौन काम करवाता है आपसे? मुझे एक अंकल काम करवाते हुए कहते हैं आपको जब भी घर जाने देंगे जब आप भीख मांगेंगे। अब आप चिंता मत कीजिए, अब आज से आप चाइल्ड लाइन के पास आ चुके हैं और हम जल्द ही आपको आपके माता पिता तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद मैम, आज आप जैसे लोगों की जागरूकता की वजह से ही बच्चे अपने माता पिता के पास पहुँच पाते हैं। चलिए नमस्कार सर, ये रहा आपका बेटा। थैंक यू चाइल्ड लाइन, आपकी वजह से आज मुझे मेरा बेटा मिल पाया। थैंक यू मैम। धन्यवाद। बैठ जाए बैठ जाए। तो दोस्तों, इस नाटक को करने का हमारा उद्देश्य यही था कि अगर ऐसी स्थितियों में हमारे आपके बच्चे फंस जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, समाज हमसे ही बना हुआ है, समाज को बनाने वाले भी हमें, बिगाड़ने वाले भी हैं। यदि हम कभी ऐसी स्थिति में किसी बच्चे को देखते हैं, हमें ऐसा संदेह है, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला बच्चा किसी बुरी स्थिति में है, कि हमारे बच्चे किसी बुरी स्थिति में है, तो इसके लिए चाइल्ड लाइन का एक नंबर होता है 10-9-8-10-98 करके नंबर है, जो कि हमारे पोस्टर में भी लिखा हुआ है। इस नंबर पर कॉल करके बच्चों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी दी जा सकती है। हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा होते हैं छोटी छोटी बच्चियों में, जबकि कानून के द्वारा उम्र तय की गई है कि 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी नहीं की जा सकती और 21 वर्ष से पहले लड़के की नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्रों में ये सब चीज़ें उतना फॉलो नहीं होती हैं जितना होना चाहिए। इसकी कमी कहीं ना कहीं हमारी ही है। आज शिक्षा हमारे, हमें पता नहीं क्यों हमेशा से बच्चों की विवाह की चिंता होने लगती, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनकी शिक्षा की चिंता करनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे सशक्त बनेंगे तो वो अपने लिए आवाज़ खुद उठा पाएंगे। बाल श्रम है, बाल तस्करी का उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य है कि छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर उनसे काम करवाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जिनको अपना बचपन जीना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको जाकर होटलों में, कारखानों में नन्हे नन्हे हाथों को बोझा ढोने के लिए लगा दिया जाता है। वो कहाँ उसकी कमी क्या? उनकी कमी है हम आपकी जागरूकता। हम जानते हैं।